आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। भाजपा और कांग्रेस में वार छिड़ गई है। हरियाणा के भाजपा के चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रिजेक्टेड पीस बता दिया है कि हरियाणा की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बोला, कांग्रेस ने कुमारी शैलजा गुट और रणदीप सुरजेवाला को उनके बेटे के लिए एक एक टिकट देकर किनारे कर दिया। देखिए क्या कहा विप्लव देव ने। क्या हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को हरियाणा के लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनते देखा नहीं? 10 साल देखा, उसके बाद निर्णय किया रिजेक्टेड। अपने 10 साल बाद वही रिजेक्टेड माल को सामने कर दिया और जनता को बोल तो उनको ले लो। जनता लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कि राहुल गांधी भी डर गए, उनका नाम कर दूं, मैं सत्ता में नहीं आ सकता हूं, मुझे शैलजा जी भी चाहिए, कुमारी शैलजा जी। और टिकट बांटते समय शैलजा जी को एक टिकट पंचकुला में एक टिकट देके संतुष्टि करना पड़ा। सुरजेवाला जी को बेटे का टिकट में संतुष्टि करना पड़ा। अरे राहुल गांधी, हिम्मत तो बताओ। जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे नायब सिंह सैनी को हमने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया, पिछले दरवाजे से सत्ता नहीं मिलने वाले है, आओ सामने बोलो आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। पीछे से उनको टिकट देने का बंदोबस्त करते हो और 12 तारीख के नॉमिनेशन के दिन भी 9 टिकट डिक्लेयर करना पड़ता है डर से, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे हो।